मैंने कहा ना फैशन शो कैंसिल कर दो, एक बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? दोबारा अगर फोन किया ना आई विल किल यू। नाथ बेबी लिसन, वो जो नाथ क्या बात है? फिर से फूड पॉइज़न। कम हियर, सिरा बैठो। नाच, तुमको कितनी बार कहा है बाहर का ऊट पटांग खाना मत खाया करो, तुमको सूट नहीं करता। अब फिर हो गए ना फूड पॉइजनिंग? लेके आती हूँ मैं दवाई, रुको। हेलो इशिका, सुनो तुम्हारे पास वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होगा ना, वो लेके आओ। इशिका सवाल जवाब मत करो, जल्दी से वो करो जो मैं कह रही हूं। हाँ नाथ, ये वॉमिटिंग, ये नौशिया, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज टेल मी द ट्रूथ, सच्चाई बताओ। मामा प्लीज, मुझे कैसे पता कि मुझे वॉमिटिंग क्यों हो रही? मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूं। नाथ, मैं नाथ, मामा प्रेगनेंसी टेस्ट किट। पर ये क्यों? ये देखा तुमने, इसलिए। लेकिन मम्मा फूड पॉइजनिंग भी तो हो सकता है ना? अगर और कुछ हुआ तो? नाथ, ये लो प्रेगनेंसी टेस्ट करो अभी। क्या करो? मैं ये नहीं करने वाली। नाथ सच बताओ, कहीं तुम और कार्तिक? तुमसे मतलब? मैं अपनी लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी नहीं फैमिली के रेपुटेशन की बात है। सो जस्ट शट अप, मामा की बात मानो एंड गेट द टेस्ट डन। लेकिन स्टॉप आर्ग्यूइंग, जस्ट गो। गॉड, मामा जस्ट रिलैक्स, रिजल्ट आने से पहले इतना टेंशन मत लीजिए। मॉम कलर चेंज हो गया, इसका क्या मतलब है? ये लो, अब इसका कोई मतलब समझाएगा मुझे प्लीज? मामा प्लीज, मामा जानती थी मैं ये लड़की एक ना एक दिन अपने साथ साथ मुझे भी लेकर डूबेगी। एक तरफ इसकी सगाई टूट रही है और दूसरी तरफ ये सब कुछ। मैं क्या करूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इशिका तुम राम को फोन करो और उसको कहो कि ये शादी कैंसिल ना करे, जो हो रहा है वो होने दे। No! मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगी। इतनी प्रॉब्लम मैं इस बच्चे को अवॉर्ड कर दूंगी, लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसने मेरी इंसल्ट की सबके सामने। Just shut up! एक लफ्ज और निकाला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा नाथ। ये सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हारी सारी गलतियों पे हमेशा पर्दे डाले, तुम्हारी हर बात मानी, तुमने जो चाहा जो ठीक समझा हमेशा वो किया। लेकिन आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। लेकिन समझे? आप ड्राइव कर रहे थे? हाँ, तो इस देश में अपनी गाड़ी चलाना क्या गुनाह है? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि नॉर्मली आपका ड्राइवर ड्राइव करता है ना। अरे वो छुट्टी पे है, पर छोड़िए वो सब। आप यहाँ पर फिर से झगड़ा करने आई? नहीं नहीं नहीं, वो तो माँ मुझे मेरी क्लासेस में छोड़ रही थी और हम इस जगह पे आए और हम फिर से ये एक्सीडेंट हो गया। और ये क्या अजीब इत्तेफाक है, ये वही जगह वही मोड, हम वही लोग हैं, वही एक्सीडेंट। आई मीन ये आई नो, सब कुछ बहुत बहुत अजीब सा है। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हम यहाँ मिल गए, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ, आई मीन आपकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो, देखिए जस्ट फॉरगेट इट। मैं वाकई मानता हूँ कि गलती शायद मेरी थी, माफ कीजिए, लेकिन तुम्हारे भाई को गलत समझा था मैंने। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अच्छा हुआ हम यहाँ मिल गए मिस्टर कपूर। मैं एक दो दिन में वैसे भी आपके पास आने ही वाली थी,
वो मैंने सोचा कि अब जब वो रिश्ता नहीं रहा तो हमारे रिश्ते की भी कोई मायने नहीं है। वैसे भी हमने सगाई नताशा और कार्तिक के लिए की थी, बट आई गेस हम दोनों उनके लिए लकी नहीं रहे। देखिए ना, जिस दिन हमारी सगाई हुई उसी दिन उन दोनों की सगाई टूट गई। हो सकता है कि ऐसा होना ही नहीं था, आई मीन हमारा रिश्ता। हो सकता है कि खैर जो कुछ भी हुआ, मुझे लगता है कि ये रिंग मुझे अपने पास नहीं रखनी चाहिए, इसलिए मैं आपको लौटाने आने वाली थी, लेकिन आप यहाँ मिल गए जहाँ हमारा पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट की वजह से जो कुछ भी हुआ, फिर हमारी सगाई, वो भी एक एक्सीडेंट से कम नहीं थी। बट एनीवे, ये मैं आपको लौटाना चाहती हूँ। एक सेकंड। राम, तुम कहाँ पे हो? क्यों, क्या हो गया? जल्दी घर पे आओ। लेकिन बात क्या है? राम, तुम जल्दी से घर पे आओ बस। जी जी, अभी आए। I'm sorry, माँ का फोन था, घर में किसी तरह की इमरजेंसी है, मुझे अभी इसी वक्त जाना होगा। Hope everything is okay, but ये आपकी एक मिनट, मेरी अंगूठी निकल नहीं रही है, जैसे कि तुमने देखा। मैं घर जाके इसे निकलवा दूंगा किसी भी तरह, तब तक प्लीज ये आप ही रखिए। लेकिन मैं इसका क्या करूंगी मिस्टर कपूर? नहीं, प्लीज लेट्स जस्ट डू दिस द राइट वे। जब तक तुम्हारी अंगूठी मेरे पास है, मेरी अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके माँ, चलो। माँ माँ माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी? माँ निकलो यहाँ से, कैसे फंसा लिया अपने आप को? अरे अरे अरे, ये रिंग उसने वापस दे दी? हाँ माँ, वो एक्चुअली उन्हें कोई जरूरी काम था, निकलना पड़ा, इसलिए। हाँ, पर ये अंगूठी तो वापस अंगूठी तो वापस आ गई। माँ एक्चुअली वो खुद भी अपनी रिंग वापस करना चाहते थे, लेकिन वो रिंग उनकी उंगली से निकली नहीं, और इतने में मेरी रिंग भी गिर गई, और वो रिंग निकालने की कोशिश कर रहे थे माँ, लेकिन इतने में उनके घर से एक इमरजेंसी कॉल आया और उन्हें जाना पड़ा। बट डोंट वरी माँ, बस कल परसों में ही हम लोग दोबारा मिलेंगे और फिर ये यूनिक रिंग एक्सचेंज प्रोग्राम सफल हो जाएगा। नहीं, एक काम करते हैं ना माँ, मेरी जाने की क्या ज़रूरत है, तुम ये रिंग रख लो और तुम ही जाके मिस्टर कपूर को वापस कर देना, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती दोबारा, प्लीज। प्रिया, तू पागल हो गई है? अरे तू किस्मत का इशारा समझ ही नहीं रही। क्या मतलब? ये इत्तेफाक नहीं है बेटा, ये ईश्वर की मर्जी थी। देख, तेरी किस्मत तुझे तेरी मंजिल की तरफ ले जा रही है ना? माँ, तुम किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल लेती हो। ये जो तुम यश चोपड़ा की इतनी फिल्में देखती हो ना, ये उसी का नतीजा है, लेकिन असल जिंदगी फिल्मों की तरह नहीं होती है माँ। तो क्या हुआ? अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो वहाँ हो रहा हो वो यहाँ ना हो? अब देख, कार्तिक की शादी के लिए तूने राम से रिश्ता जोड़ा ना, है ना? तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि राम का और तेरा रिश्ता जुड़े, इसलिए कार्तिक और नताशा पास आए, उनमें प्यार हुआ, और इसके कारण तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है माँ। तो ये सब क्या है? तुम दोनों का बार बार टकराना और इतनी कोशिश करने के बाद भी अंगूठी का वापस आ जाना, ये सब क्या है? ये सब कुछ इत्तेफाक है और कुछ नहीं। ये अंगूठी मैं यहाँ रख दूँ, ओके? और अब प्लीज तुम चलो, मुझे बहुत देर हो रही है माँ क्लास के लिए। हाँ, बाबा चलती हूँ। हाँ, लेकिन तू इसे, ये जिसे तू है ना बैड लक समझ रही है ना, हो सकता है तेरी लाइफ की वो सबसे बड़ी गुड लक हो।
हमारे हाथ में नहीं होती है। हम जैसा चाहते हैं ना वैसा वो नहीं होता है। किस्मत जो तय करती है वो ही होकर रहता है। माँ प्लीज चले। इतनी खराब डिजाइन्स, ऐसी डिजाइनर को तो रैंप पे अलाउ ही नहीं करना चाहिए। It's disgusting. Nuts. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम प्लीज अभी नहीं। Enough nuts. मम्मा की बात तुम्हारी इस बकवास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोन रखो और चुपचाप मम्मा की बात सुनो। मैंने कहा ना मेरे पास इस वक्त समय नहीं है। तुम्हें अगर इतना शौक है और इतना समय तो खुद की नहीं सुन लेती। माँ लेकिन माँ मम्मा कोई हक नहीं बनता। माँ हूँ मैं तुम्हारी, मेरे हक और जिम्मेदारियाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है तुमसे मुझे नहीं सीखना है। इशिका पंडित जी को फोन लगाओ, इसकी शादी का मुहूर्त तय करवाना। मैंने कहा ना मैं कार्तिक से शादी नहीं करूंगी, दैट्स फुल एंड फाइनल। मैं चॉइस नहीं दे रही हूँ तुम्हें, ऑर्डर कर रही हूँ। मुझे बहुत पहले ये सब कुछ कर देना चाहिए था। तुम पर पहले ही अगर पाबंदी लगा दी होती तो आज ये एनीवेज अभी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं और ना ही मैं बिगड़ने दूं। नट्स मैं जब भी चाहूं ना तुम्हें इस घर से और इस जायदाद से बेदखल कर सकती हूं। और तुम्हारे ये जो क्रेडिट कार्ड नताशा कपूर की खुद की एक पहचान है, क्योंकि ये काफी मुझे अपनी लाइफ खुद जीने के लिए या बनाने के लिए किसी और लेबल की कोई जरूरत नहीं। नट्स तुम आखिर चाहती क्या हो? बिन ब्याही माँ बनना चाहती हूँ, अपने बच्चे को लेकर बिना पति के। मॉम प्लीज अब इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही? कल जाके वॉशिंग करवा लूंगी, दैट्स अबाउट इट, किस्सा खत्म। लेकिन इस वजह से मैं कार्तिक की शादी नहीं करने वाली नट्स। और अगर किसी वजह से तुम अबॉर्ट नहीं कर पाई तो व्हाट नेक्स्ट? बिन ब्याही माँ बनने का मतलब जानती है तू? दुनिया हंसेगी तुझ पर। और जिस नताशा कपूर के लेबल पर तू इतना इतरा रही है ना, धज्जिया उड़ जाएगी, धज्जिया। नताशा तू क्यों नहीं समझती है? ऐसी बातें छिपाई नहीं छुपती, आज नहीं तो कल सारी दुनिया को ये बात पता चल ही जाएगी। और अगर कल को कार्तिक ने शादी के लिए मना कर लिया तो आप दोनों अपनी थियोरीज और फिलोसफीज अपने पास रखिए। ये होगा तो वो होगा तो ये होगा, जब जो होगा देखा जाएगा। और अगर आप दोनों को लग रहा है कि मैं आपकी बातों में आके डर के उससे शादी कर लूंगी तो नहीं कर होगा वैसा। Absolutely not. नताशा तुमने अपनी माँ को अच्छी तरह से पहचाना नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ इसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं। तुम्हारी इज्जत में दो मिनट में चूर चूर कर सकती हूँ। राम कपूर 42 साल का हो चुका है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो। और अब जो उसकी शादी हो रही है वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो शादी हो। वो मेरे लिए जरूरी है। नफ्स तुम जानती हो कि मैंने प्रिया को ही क्यों चुना राम के लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रिया ही एक ऐसी लड़की है जो मेरे सामने चुप तक नहीं करती। और मेरा राज इस घर पे वैसे ही बना रहेगा जैसे हमेशा से था। मम्मी क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है मुझे, आईना दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, सच्चाई से वाकिफ करवा रही हूँ। तुम्हारा ये जो राम कपूर नाम का सपोर्ट सिस्टम है ना, इसको मैं दो मिनटों में हिला सकती हूँ, पता है? तुम्हारे राम भैया अगर उनके सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा ले आऊं, अपना मुंह खोल दूं तो क्या होगा ना, सोचो। अपनी छोटी के लिए वो जमीन आसमान एक कर सकता है अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी छोटी शराब पीती है, ड्रग एडिक्ट रह चुकी है, यहां तक कि उसके 50 बॉयफ्रेंड्स तक रह चुके हैं, एंड अबव ऑल अब वो प्रेग्नेंट भी है, बिन ब्याही मां बनने वाली है, तो क्या होगा? और हां एक बात कभी मत भूलना,
राम जो भी सोचता है उसे सोचने पर मैं मजबूर करती हूँ। वो वही बोलता है जो मैं उससे बुलवाती हूँ, वही करता है जो मैं उससे करवाती हूँ। राम तुमसे पागलों की तरह प्यार करता है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्यार उसके दिल में मैंने जगाया है तुम्हारे लिए। डोंट फॉरगेट दैट। जिस दिन तुम्हारा असली चेहरा राम कपूर के सामने आ गया, उसका हाथ तो तुम्हारे सर से उठ ही जाएगा, और उसके प्यार और हाथ के बिना तुम्हारा कोई वजूद, कोई हैसियत ही नहीं। फिर तो नताशा कपूर का नाटक नहीं बचेगा, है ना? लिसन, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए यहां तक पहुंचने के लिए, बहुत। कुछ नहीं थी मैं, कुछ भी नहीं, लेकिन आज एक करोड़पति हूं। क्यों, कैसे? क्योंकि मैंने अपने से उम्र में 20 साल बड़े आदमी से शादी की। तुम लोगों को पैदा किया मैंने, और हर सिचुएशन को उस तरह से मोड़ा जिस तरह से मैंने उसे मोड़ना चाहा। अब तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से मैं अपने पूरे किए कराए पर पानी नहीं फेर सकती। इसलिए चुपचाप अपने राम भैया के पास जाओ और उनसे ये कहो कि तुम कार्तिक से शादी करना चाहती हो। एंड लिसन, डोंट ट्राई माय पेशेंस, क्योंकि अब मैं तुम्हारे मामले में और रिस्क नहीं ले सकती। कौता है? तुम्हारा फोन। ना बस, इतनी देर हो गई मुझे आज। प्रिया, हाँ? देख, दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है बेटा। अब देख, राम कपूर और तेरा टकराना ऐसे ही नहीं हुआ है। गणपति पप्पा की जरूर कोई ना कोई रचना है इसके पीछे। ठीक है मैम। अरे अरे, ठीक है क्या? ले, पहले अपनी अंगुली में अंगूठी पहन। अरे माँ, फिर से जरूरी है क्या ये सब? हाँ जरूरी है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, तू समझने का नाम ही नहीं लेती। बेटा, तुम दोनों को अलग करने के लिए किस्मत को भी मंजूर नहीं है ये सब, और तू जिद पकड़े बैठी हुई है। चल पहन ले, पहन ले। ओके माँ, ये पहन ली मैंने। हाँ ओके, ठीक है। अब मैं जाऊँ? ना बात देख, देख देख देख, ये तेरी उंगली में कितनी प्यारी लग रही है, लगता है खास तेरे लिए ही बनाई है। हाँ हाँ माँ, थैंक यू। सुन तो सही, अरे बाबा मिस्टर राम कपूर आए ना मिलने। क्या माँ? तो उसे कह देना मुझे घर लिफ्ट दे दे। हाँ, अरे तेरी ही गाड़ी है। हाँ, और हाँ, ऑटो में मत चली आना खड़खड़ खड़खड़ करती हुई, ठीक है? ओके माँ, अब मैं जाऊँ, बाय। ओके ओके, बाय बाय। हे गणपति बप्पा, तेरा लाख लाख शुक्र, तू उन दोनों को यहाँ तक तो ले आया ना, थोड़ा सा और खींच कर मंडप तक पहुंचा दे। हाँ, मैं तेरे 21 व्रत रखूंगी। हाँ। तुम नाच की बात सुन लो, ये तुमसे कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ जरूर, कैसी है तू अभी, दिखा। ठीक हूँ भाई। बोल भाई। वो मैं क्या हुआ बेबी, इतना क्या सोच रही है? तेरा भाई है, प्यार करता है तुझसे, बोल देना जो कुछ भी बोलना है, इससे कैसे हिचकिचाहट? हाँ, अरे क्या हुआ, बात क्या है? भाई, आप मुझसे प्यार करते हो? थप्पड़ मारूंगा तेरे को एक। ये कैसा सवाल है, इतने सालों के बाद तू ऐसा सवाल करेगी मुझसे? अरे क्या बात है, बोलना। राम, दरअसल ये जो कहना चाहती है वो बेबी, बोलना। क्या हुआ यार, कोई तो कुछ बताओ। भाई, मैं कार्तिक के बगैर नहीं रह सकती। क्या तेरा तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गई? तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है?
भूल गई उसने हाथ उठाए तेरे पे? सबके सामने तेरा इंसल्ट किया, हम सबका इंसल्ट किया? What is wrong with you? एक मिनट राम, मैं मानती हूं कि कार्तिक ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन नट्स ने भी जो किया वो सही तो नहीं था। क्या मतलब? माना कि कार्तिक का रिएक्शन सही नहीं था, लेकिन नट्स का एक्शन भी कुछ सही नहीं था। ऑब्वियसली ठीक रखेगी, नट्स कैसे कुछ गलत कर सकते? भाई वो परसों पार्टी में जो भी हुआ उसमें गलती मेरी भी थी। कार्तिक ने सिर्फ इमोशनल होके वैसे रिएक्ट किया, वरना वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। कार्तिक जैसा भी है, सही है गलत है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। भाई आप बस हमारी शादी करवा दीजिए। Are you sure? मेरी तरफ देख, ऊपर। Are you sure? अगर तू वाकई यही चाहती है तो फिक्र मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम दोनों की शादी जरूर कराऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।